51 नंबर प्रश्न से कह रहा है ट्राइफेड आदि बहोसो की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये ट्राइफेड का मतलब होता है आदिवासी उत्पाद उत्पाद और योजनाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बनाते हैं और उनके लिए जो योजनाएं है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो 51 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे। 51 नंबर में दिया है कंगना रनौत, सोनाक्षी सिन्हा, एमसी मैरीकॉम और प्रियंका चोपड़ा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, एमसी मैरीकॉम, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम जो है ये है जो है ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर, आदिवासी उत्पाद उत्पाद और योजनाओं के लिए क्या बनाई गई है, ये बनाई गई है आपके क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम मणिपुर की है। तो इनसे ये भी जानते रहिएगा, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये प्रश्न मैं तो कई बार आपको करवा चुका हूं, अब जो है प्रश्न नंबर 52, ये मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अर्थात रेलवे सुरक्षा बल ये इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ऑपरेशन आहट। प्रश्न नंबर 53 है रामानुजम पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो रामानुजम पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है 2021 में, ऑप्शन ए कह रहा रागिनी देशमुख, ऑप्शन बी कह रहा मारिया रेशा, ऑप्शन सी नीना गुप्ता, ऑप्शन डी दामनी मुरातोवा। तो जो सही जवाब है ये 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नीना गुप्ता को मिला है क्या रामानुजमचार्य पुरस्कार 2021 का। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है। तो जो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कौन बने, ऑप्शन ए है राजीव महेश्वरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन सी है संजय अग्रवाल और ऑप्शन डी है सुभाष गर्ग। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 54 का ऑप्शन बी आपका सही जवाब बी। प्रश्न देखेंगे 55 3 जनवरी 2022 को ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो ओएनजीसी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो है वंदना लूथरा या अलका मित्तल या नैना लाल किदवई या सावित्री जिंदल। तो इसका 55 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही है अलका मित्तल क्या बनाई गई है, अलका मित्तल बनी है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। प्रश्न नंबर बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है ये भी, जो लोग क्रिकेट के खेलों में इंटरेस्ट रखते होंगे वो तुरंत बता देंगे आईपीएल 2022 का फाइनल किसने जीता है। ऑप्शन है पंजाब किंग्स, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आईपीएल प्रश्न नंबर कितना है आपका, देखिए 56 नंबर प्रश्न आईपीएल 2022 की बात करेगा तो इसमें आप जानिएगा अगर इसकी जो विजेता टीम थी वो गुजरात टाइटंस इसने आईपीएल 2022 को जीता है। 57 नंबर प्रश्न देखिए हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO का पुरस्कार मिला है। तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पुरस्कार दिया गया है उस स्टेट को, वो स्टेट कौन सा है। तो वो स्टेट आपका है ऑप्शन सी में लिखा होगा या ऑप्शन बी में है झारखंड, देखिए ऑप्शन सी सही है इसका प्रश्न नंबर 57 का WHO के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो झारखंड को दिया गया है। किसे दिया गया है, झारखंड को दिया गया है WHO के द्वारा। WHO के बारे में जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है ये जिनेवा में है, जिनेवा का है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 58 हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, ये मनाया जाता है प्रत्येक 23 अप्रैल को। 58 नंबर का ऑप्शन बी सही है 23 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 36 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो जो ये
18 अप्रैल, देखिए इस प्रश्न का जो इस प्रश्न को देखेंगे तो 18 अप्रैल 2022 को आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर उसके आरबीआई के जो नियम है, जो नीतियां है, उसमें ना पालन करने के कारण कई ऐसी शर्तें होती हैं आरबीआई की, जो बैंक उसका पालन नहीं करता है उसके ऊपर वो जुर्माना लगा देता है। तो 18 अप्रैल 2022 को सेंट्रल बैंक सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ऑप्शन जो इसका सही जवाब है वो बी वाला है, इसके ऊपर क्या लगा था 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाएगा। कह रहा प्रश्न नंबर 60, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रैंकिंग 2021 में किसने पहला स्थान हासिल किया है। 60वां प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश ने जो है जो अभी 2022 में जारी 21 में जारी किया गया स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रैंकिंग, उसमें इसे क्या मिला है, पहला स्थान मिला हुआ है आंध्र प्रदेश को। और जब भी आंध्र प्रदेश की बात आए तो आप जानिएगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य क्या था, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य ही था आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 61, कई बार बताया गया आपसे, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है स्थित है भारत के असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। और इसी यही असम है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी होकर के बहती है, एक बड़ा द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनता है असम में, यही असम है। पूर्व देश की मुद्रा तथा राजधानी का राजधानी क्रमशः है, पूर्व देश की राजधानी, अब कह रहा है न्यूगो सोल लीमा ऑप्शन ए है, बी कह रहा है कि उसकी मुद्रा पीसो और राजधानी बोगोट, ऑप्शन सी कह रहा है कि डॉलर या फिर उसके बाद बता रहा लीमा, फिर कह रहा डॉलर अथवा बोगोट। तो देखिए जो पूर्व देश की मुद्रा तथा राजधानी का क्रम है उसमें जो सही है वो है न्योगो सोल, वहां की मुद्रा है और राजधानी क्या है लीमा, ऑप्शन क्या है 62 का ए क्या है सही जवाब है, न्योगो सोल और या लीमा, न्योगो सोल या लीमा यहां का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 63 कह रहा है, 63 में हमारे देश के राष्ट्रपति के श्री रामनाथ कोविंद भारत के डट राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये पूछा जा रहा है 63 नंबर में। आप देखेंगे 63 नंबर में ऑप्शन दिया है ए 12वां, ऑप्शन बी दिया 13वें, ऑप्शन सी है 14वें और ऑप्शन डी है 18वें। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कौन से नंबर के है 14वें नंबर के, रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति है। आईएलओ का मुख्यालय कहां स्थित है, आईएलओ प्रश्न नंबर 64, आईएलओ का मुख्यालय कहां स्थित है, आईएलओ का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहां स्थित है आईएलओ का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 64, 64 का आपका ए सही है, 64 का ए सही जवाब है। प्रश्न अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर मेला कहां लगता है, पुष्कर मेला प्रश्न नंबर 65, ऑप्शन ए कह रहा बीकानेर, ऑप्शन बी कह रहा जैसलमेर, ऑप्शन सी कह रहा जोधपुर और ऑप्शन डी है नई दिल्ली, अभी चाहते ऑप्शन डी है अजमेर। तो जो पुष्कर मेला लगता है वो अजमेर में लगता है, अजमेर में क्या लगता है पुष्कर मेला, और अजमेर से प्रश्न और है, अजमेर में एक दरगाह है वो प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा ढाई दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था वो कहां स्थित है, ये भी अजमेर में, राजस्थान में ये सब जगह है। अगला प्रश्न है भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, भांगड़ा आप लो भाई साहब इससे सस्ता और क्या मिल सकता है, भांगड़ा कहां का लोक नृत्य है, ऑप्शन चंडीगढ़, बी पंजाब, सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कह रहा ए और बी, आपको दोनों फंसा रहा है मामला, और आप देखेंगे यहां का सही जवाब क्या है पंजाब का जो लोक नृत्य वो क्या है भांगड़ा है। और अगर ये भांगड़ा ये तो बिल्कुल सस्ता था, इसी जगह पर गिद्दा दे सकता है, गिद्दा भी कहां का लोक नृत्य है पंजाब का, आप याद रखिएगा गिद्दा भी कहां का है पंजाब का, भांगड़ा तो हर किसी को पता ही होता है। 67 नंबर गजलों का जनक किसे कहा जाता है, गजलों के जनक किसे कहा जाता है और प्रश्न नंबर है 67। अब देखिए गजलों के जनक ऑप्शन कह रहा मिर्जा गालिब, ऑप्शन कह रहा बी अमीर खुसरो, सी बहादुर शाह जफर, डी कह रहा उमर खयामम,
तो जो सही जवाब है वो अमीर खुसरो है। गजलों के जनक कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, उस पगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक उसके यहां रहते थे अमीर खुसरो। और यही अमीर खुसरो है जिन्होंने कहा, अगर ये एक बार ये कश्मीर घूमने गए, इन्होंने कहा कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर को उन्होंने धरती का स्वर्ग कहा। यही अमीर खुसरो है जिन्हें जिन्हें भारत का तोती हिंद, भारत का तोता कहा जाता है। इन्होंने ही तबला और सितार का आविष्कार किया है अमीर खुसरो, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, कासगंज के, कासगंज में हुआ है, कासगंज के पटियाली, पटियाली गांव के में हुआ था अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, रूस का, जापान का। तो जो बेसबॉल है प्रश्न नंबर 68 का जो है वो बी सही है, अमेरिका का। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। बेसबॉल यहां का क्या है? राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, ठीक है ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 69, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर, आपको इससे पहले पता होगा मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, तो उसी खिलाड़ी का नाम है बॉम्बे बॉम्बर। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी विनोद कांबले और ऑप्शन डी है सौरभ गांगुली। बॉम्बे बॉम्बर जो है ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, मगर आप जानिए सचिन तेंदुलकर जी का जो है उपनाम है, क्रिकेटर है उपनाम, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। 69 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। और ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 70 आप देखेंगे, 70 जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान बिल्कुल, आर्द्रता यह भी जलवायु को प्रभावित कर देती है, तापमान जलवायु को प्रभावित करती है, और वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है। इसलिए ऑप्शन डी लिखा उपरोक्त सभी, 70 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, वर्षा, तापमान और आर्द्रता। अब देखेंगे 71 नंबर प्रश्न से, 71 नंबर प्रश्न में दिया गया गद्यांश आ गया हिंदी के गद्यांश, तो बहुत कम समय में जल्दी से इस गद्यांश को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 देखिए, प्रश्न नंबर 71 कह रहा है, निर्देश दिया हुआ गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न 71-75 के, 71 से 75 के उत्तर चुनिए। ज्यादा नाटक नहीं करना है, ग्राफ बड़ा दिया जाता है, कठिन भी दिया जाएगा, जरूरी नहीं खाली ग्राफ सरल मिले, तो आपको ग्राफ और आप पढ़ना नहीं है, सीधे प्रश्न पे आते हैं। 71 नंबर देखिए, काशी किसकी पाठशाला है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ग्राफ आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि काशी किसकी पाठशाला है, और जैसे पहली लाइन पढ़ेंगे वही लिखा है काशी संस्कृत की पाठशाला है। और ऑप्शन में देखिए 71 में ए दिया है कला, बी दिया नृत्य, सी दिया संस्कृत, डी दिया संगीत, तो तुरंत आप लगाइए संस्कृत। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है? संस्कृत की पाठशाला है, ऑप्शन ए सही है 71 प्रश्न का, 71 नंबर वाले प्रश्न का। तो पहले ही लाइन में सबसे दूसरा शब्द यही दिया हुआ है। उसके बाद 72 नंबर में कह रहा है काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? जैसे ही पहली लाइन ऊपर वाली लाइन को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि इस काशी संस्कृत की पाठशाला है शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, काशी काशी में कलाधार हनुमान व नित्य विश्वनाथ है। तो ऑप्शन तुरंत देखिए ऑप्शन ए, 72 में ऑप्शन ए मिल रहा है कि आनंद कानन। आप 72 का क्या हो जाएगा, आप प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन ए सही है। कौन सा? आनंद कानन, ये आपको ऊपर वाली लाइन में, इसलिए हम कह रहे हैं आपको गद्यांश नहीं, आप गद्यांश को पढ़िए ही ना, आप केवल प्रश्न पढ़िए और जल्दी से गद्यांश में लाइनों को देखते हुए चलिए कि वो शब्द कहां दिया गया है, और उसके बाद उसको ध्यान पूर्वक उस लाइन को पढ़ करके फिर उसका आप जवाब दे दीजिए। प्रश्न नंबर 73, संकट मोचन मंदिर काशी में कहां स्थित है? इस गद्यांश के अनुसार बताना है आपको, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना कि संकट मोचन जो है, संकट मोचन मंदिर काशी में कहां स्थित है, गद्यांश में लिखा हुआ है कथा कि संकट मोचन मंदिर कहां है। देखिए इसमें लिखा गया है कि जैसे ही आप नीचे की तरफ से देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन में लिखा गया है कि काशी में संगीत आयोजन
ये एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से दक्षिण भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता है। तो देखिए उसमें दक्षिण भाग दिया गया है और आसन कह रहा है शहर के दक्षिण में, शहर के मध्य में, शहर के पूर्व में, शहर में संगम के पास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शहर के दक्षिण में। 73 नंबर प्रश्न का ए, दक्षिण में और वो भी किसके, शहर के। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही जवाब है। 74 नंबर प्रश्न देखिए, काशी में संगीत सभा में कौन काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहते हैं। इसका ध्यान उसमें दिया गया कि भाई वो व्यक्ति कौन थे जो जब भी काशी में संगीत सभा होती थी वो उपस्थित होते थे। तो आप जैसे ही नीचे से पढ़ते हुए चलेंगे तो देखिए यहां आपको देखने को मिलेगा कि जहां आपने अभी हमने बताया छठी लाइन में नीचे से पिछले कई वर्षों से केम से दक्षिण भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता था, इसमें बिस्मिल्ला खां अवश्य उपस्थित होते थे। तो देखिए उसका बिस्मिल्ला खां ऑप्शन 74 का ए, 74 का ए बिस्मिल्ला खां, ये क्या रहते थे, अवश्य उपस्थित रहते थे। बिस्मिल्ला खां अवश्य उपस्थित रहते थे किसमें, इस गद्यांश में दिया गया, जब भी काशी में संगीत होता था। 75 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां की सहनाई का प्याला किस ओर मुड़ा दिया जाता है। बिस्मिल्ला खां की सहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, लंका की ओर, पूर्व दिशा की ओर, काशी विश्वविद्यालय की ओर। तो इसमें जो सही जवाब है एकदम बिल्कुल नीचे से तीसरी लाइन में आप देखेंगे कि वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते थे, ठीक है ना। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर सहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं किस ओर, विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, 75 वाले प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर ए सही है। आप देखिए 71, 72, 73, 74 और 75 चारों 1, 2, 3, 4, 5 के क्या है, ऑप्शन ए सही है। गद्यांश है और ये गद्यांश आप तक क्लियर हुआ, बहुत ही सरल गद्यांश था। आगे देखिए प्रश्न निर्देश दिया फिर 78 से 60 तक का दूसरा गद्यांश, हिंदी का गद्यांश 78 से 60 तक। अब आप देखिए डायरेक्ट आइए प्रश्न पे चलते हैं, आप गद्यांश देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गद्यांश में क्या लिखा गया है। इसमें दिया 76 नंबर, निहत्ते पुरुष और महिलाएं लंबे जुलूस में पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़े। कह रहा कि ए राष्ट्रीय ध्वज को कब्जे में लेने के लिए, बी भारतीय पुलिस कर्मियों को गोली मारने के लिए, सी पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करने के लिए, डी जुलूस में थोड़े समय के लिए रुकावट पैदा करने के लिए। तो जब आप ऊपर से आएंगे तीसरी लाइन में लिखा है पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करने के लिए, निहत्ते पुरुष और महिलाएं लंबे जुलूसों में पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के आगे बढ़े। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 में ऑप्शन सी सही जवाब है, निहत्ते पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करने के लिए। ऊपर से तीसरी लाइन में ये एकदम पहले शुरुआत में ही ये लिखा गया है। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे, निहत्ते पुरुष और महिलाओं पर किसके द्वारा गोली चलाई गई, निहत्थे पुरुष और महिलाओं पर किसके द्वारा गोली चलाई गई। इसी में भी लिखा हुआ है उसी लाइन के जस्ट नीचे चौथी लाइन में कि जबकि उन पर भारतीय पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाई गई, उन्हीं लोगों के ऊपर जो निहत्थे पुरुष एवं महिलाएं थी, तो किसके द्वारा गोली चलाई गई। 77 नंबर में आप देखेंगे ऑप्शन डी में यह बात लिखी गई है कि भारतीय पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाई गई, ये गद्यांश में है। प्रश्न नंबर 78 में देखिए लिखा लेखांश में बहुतायत शब्द का अर्थ क्या है। बहुतायत कह रहा संगीत है, ढोल की आवाज है, बहुत से है, जुलूस से तो ये कहीं का ध्यान लिखा नहीं गया। बहुतायत का मतलब बहुत से, इसलिए 77-78 वाले प्रश्न का सी सही जवाब है, यहां लिखा हुआ है बहुत से, इसी कारण से आपका क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। अब आप देखेंगे 79 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि वृद्ध महिला ने अपने प्राण दे दिए क्योंकि उसे एहसास नहीं था कि भारतीय पुलिसकर्मी उसे गोली मार देंगे। ऑप्शन बी कह रहा उसके बच्चे ने उसे मजबूर किया था। ऑप्शन सी कह रहा वह युवा लोगों को मरने नहीं देना चाहती थी जब तक उसकी उम्र के वृद्ध लोग जिंदा थे। और ऑप्शन डी कह रहा जुलूस में रुकावट पैदा की गई थी। तो आपको ऑप्शन देखना है 79 में कि ये वृद्ध महिला ने अपने प्राण क्यों दे दिए। जैसे ही आप नीचे से देखेंगे, नीचे से दूसरी लाइन में लिखा गया है
कि तीन गोलियां खाकर भी मरते समय वह ध्वज को ऊंचा करके उठाए रही। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह युवा पुरुषों को प्राण निछावर नहीं करने देना चाहती थी। और ऑप्शन सी में यही बात लिखी गई है कि वह युवा लोगों को मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए 79 जो है 79 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर आप 80 देखिए, प्रश्न नंबर 80 में लिखा गया है कि जब बहुत से लोग गोली से मारे गए और घायल हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है। तो आप ऊपर से नीचे से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठी लाइन में, नीचे से छठी लाइन में लिखा गया है कि फिर भी थोड़ी देर रुकावट के बाद जुलूस आगे बढ़ा। अब आप देखेंगे क्या था कि जब बहुत से लोग गोली से मारे गए और घायल हो गए तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि गोलियों से बहुतायत में जान से मारे गए, बहुत से घायल हो गए, फिर भी थोड़ी रुकावट के बाद फिर जुलूस आगे बढ़ा। तो ऑप्शन डी देखिए सही लिखा हुआ है कि जुलूस थोड़ी देर रुकावट के बाद फिर से आरंभ हो गया, इसीलिए 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी क्या है, सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा अब तक जितने प्रश्न का जवाब दिया गया वो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप बताइएगा, उसको जो है हम अगले वीडियो में या फिर कमेंट में ही हम आपको क्लियर कर देंगे, या फिर उससे रिलेटेड अगले जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उस बातों को भी उसी में मेंशन कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा। तो ये आपके टेस्ट का बुकलेट था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये टेस्ट आपका अभी जो कल हुआ उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे जो प्रश्न थे उसी को सॉल्व करवा दिया गया है। अब आगे के जो भी प्रश्न है मुकेश सर के द्वारा सॉल्व करवा दिया जाता है। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 31 से प्रश्न 31 से ही आपका मैथ है और मुकेश सर इसको सॉल्व करवाएंगे। इसमें 5 प्रश्न आपके क्या होंगे, 5 प्रश्न और रीजनिंग के भी प्रश्न को अभी सॉल्व करवा दिया जाएगा, बाकी इंग्लिश और मैथ मुकेश सर करवाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब आप मुकेश सर से जो है प्रश्न नंबर 31 से मैं सॉल्व करवा लीजिए।